प्रो सोशल बिहेवियर। तो प्रो इसका मीनिंग देखेंगे हम, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तीन चीज इंपॉर्टेंट है इसके। अब आप देखो इसको सामाजिक उन्मुख व्यवहार, अर्थ प्रवृत्ति और विशेषता। ये जो प्रो शब्द है इसको मैं क्लियर करूंगा आपको, समय ज्यादा नहीं मिली। तो नेक्स्ट टॉपिक सबसे पहले आप देखोगे कि दो दिन हुए हेल्थ साइंस, आप इसमें देखोगे कि जो हमारा इंडिजीनियस भारतीय लिटरेचर है, मैंने इसमें कुछ इंक्लूड करना शुरू किया है। इसलिए दो चार कल से मैंने स्वामी विवेकानंद की बात में डाली थी गलत हुए, तो इसमें मैंने आपको डाला है। तो जो हमारी भगवद गीता है, आपको पता होगा कुछ जानते उसके बारे में, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, आप यहाँ पर उसको एक एकेडमिक वे में देखो आप, तो वो क्या बताती है, जो प्रो सोशल बिहेवियर होता है, सामाजिक उन्मुख जो व्यवहार होता है उसके बारे में उसको काफी कुछ दिया हुआ है। लेकिन मैंने वहां से मुख्य रूप दो चीजें ली है, स्वधर्म और निष्काम कर्म। जो प्रो सोशल बिहेवियर आप लोग ना, जो वेस्टर्न से आया है, पश्चिम सभ्यता से हमारे पास जो आया है, सामाजिक उन्मुख व्यवहार कैसा होता है उसको आप अपने इसमें पढ़ के देखोगे। स्वधर्म, स्व का मतलब समझते ना, धर्म का मतलब बता सकते हो आप, बताइए आप धर्म का मतलब क्या होता है, आप वो क्लियर करना चाहता हूं यहां पर। आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू, समझो इस चीज को। जो हम अपने नाम के पीछे एक फॉर्म में लिखते हैं कि धर्म या रिलीजन, हम हिंदू सिख जैन या बौद्ध लिखते हैं, वो धर्म की बात यानी जो हम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या किसी गुरुद्वारे में जाते हैं या किसी बौद्ध मंदिर में जाते हैं, वो एक समुदाय है, संप्रदाय है, वो एक जीने का एक तरीका है। यहां पर जो धर्म का मतलब है कर्तव्य प्रायणता और आप इस जिम्मेदारी पूर्ण आपका व्यवहार, कर्तव्य प्रायणता समझते हो, जो कर्तव्य जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ड्यूटी आपकी है उसको पूर्ण रूप से निभाना धर्म कहलाता है। आपने अपने घरों में देखा होगा जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे तो आपको कहते हैं कि आप कहते हो दूसरे को छोटे बच्चों को सुनना ऐसे करोगे तो आपको धर्म होगा। अब सुना होगा ऐसा धर्म होगा मतलब क्या होता है कि यू आप अपने ड्यूटी को अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से जो आपको दिया गया है जो आपकी ड्यूटी है इस दुनिया में इस समाज में आने की बनती है उसको अगर आप सही तरीके से जिम्मेदारी से निभाते हो उसको संपूर्णता से निभाते हो उसे हम धर्म कहते हैं। गीता के अंदर जो धर्म की बात की गई उसकी बात की गई, हम किसी संप्रदाय की बात नहीं कर रहे हैं कि कौन हिंदू है कौन बौद्ध कौन जैन कोई सिख है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। या अगर हम धर्म की बात कर रहे हैं योर ड्यूटी कर्तव्य प्रायणता, समझा आप इसको। इसलिए विद्यार्थियों को आपको पता होना चाहिए कि जो गीता में जो धर्म की बात है, कभी कई बार गीता में धर्म में यह नहीं लिखा है कि आप हिंदू बनो हिंदू मानो, कई शब्द आया ऐसा कभी नहीं रखा उसमें शब्द, वो केवल धर्म की बात करते हैं। धर्म का मतलब होता है आपकी ड्यूटी, अर्जुन को समझाते हैं अर्जुन तुम्हारा ये धर्म है, अन्याय के खिलाफ युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, मतलब ये नहीं है कि अन्याय के खिलाफ हिंदुओं को लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, वो इशू नहीं है यहाँ पर। यानी कि कहना कि अर्जुन को कि तुम्हारा कर्तव्य है ये, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो वो तुमसे लड़के मार देंगे, क्लियर कर समझ रहे धर्म का मतलब। कई बार हमें नहीं पता होता है स्वधर्म आज धर्म का मतलब है। अब आप देखोगे सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण के कल्याण के इरादे से निभाया गया कर्तव्य जो परिपूर्ण संतुष्टि और आनंद देता है, ये है हमारा प्रो सोशल बिहेवियर। सामाजिक उन्मुख व्यवहार ऐसा है कि सामाजिक कल्याण के लिए और प्राकृतिक प्रकृति के कल्याण के लिए जो काम हम करते हैं, आप दोनों चीज आगे पूर्ण रूप से आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एंड योर सोशल प्रोटेक्शन के लिए सोसाइटी के लिए जो काम हम करते हैं वो आपको क्या देता है, संतुष्टि और आनंद देता है, जो यानी सेटिस्फेक्शन यानी स्वधर्म, यही प्रो सोशल बिहेवियर है। सामाजिक आपके जो लिटरेचर है वो भरा भरा है चीजों से, लेकिन हम डाइवर्ट हो गए विचलित हो गए उससे। अब दूसरा देखो निष्काम कर्म, निष्काम कर्म का मतलब समझते हो आप, कर्म करते जाओ फल की इच्छा ना करो, निष्काम आपके अंदर किसी भी प्रकार की फल की रिजल्ट की आपको इच्छा नहीं होती,
ये कहते हैं हमारे प्रोफेसर साहब आत्मकर्म या इच्छा रहित कार्य, अर्थात फल या परिणामों की उम्मीद के बिना कार्य करने की एक प्रक्रिया को निष्कार कहते हैं। और आप जब प्रोफेशन देवे रहते हो, आपको बताऊंगा जब सामाजिक व्यवहार जब आप करते हो यही तो करते हो, इस काम करते तो करते हो। एल्ट्रुइज्म मैंने पढ़ाया हुआ आपको, प्रैक्टिकल किया हुआ एल्ट्रुइज्म का, परमार्थ जिसको कहते हैं, क्या है वो? किसी की मदद करना है और मदद ऐसे करना है कि उसके बदले में कुछ इच्छा नहीं रखना है। तो क्या चीज है वो? कोई इसको अंग्रेजी में एल्ट्रुइज्म कहते हैं। ये तो बात हमारे 5000 साल पहले किताब लिख दी थी। इस काम पर वही है आत्म या इच्छा रहित कार्य का फल परिणाम को उम्मीद के बिना कार्य करने की प्रक्रिया को इस काम पर कहा जाता है। एंड देयर इज प्रोसेसिंग थ्योरी सामाजिक रूप में। अभी देख लो इसमें सो धर्म एंड इस काम पर वेरी मच वेरी क्लियर है। किताब है ये, ऐसा नहीं मैं अपनी तरफ से लिख के लाया हूं, आई थिंक अब 10 सेकंड को तो भगवत गीता। ये देख लो आप, हम जो सामाजिक प्रोसेसर थ्योरी सामाजिक रूप में बात कर रहे थे, प्रो अंग्रेजी का शब्द है। प्रो क्या है अंग्रेजी का शब्द? उसका मतलब होता है समर्थन या किसी के पक्ष में। आई एम प्रो एक्टिव, मैं पहले से तैयार हूं। आपको मैं कह सकता हूं कि आप प्रो अकेडमिक्स, यानी जो आप पढ़ाई लिखाई करते हो उसके प्रति आपका समर्थन है या उसके उसकी तरफ आप उन्मुख हो, उन्मुख समझते हो ना, ओरिएंटेड। ये प्रो है सामाजिक समस्या समाज से संबंधित, ये हो गया ना। दिस मीन्स सपोर्टिंग और इन फेवर ऑफ किसी के एंड सोशल रिलेटेड सोसाइटी और कंपनी ऑफ अदर्स। दूसरों के साथ जब आप होते हो, दूसरे की संगत में आप होते हो या समाज से संबंधित आप सोसाइटी से संबंधित चर्चा करते हो तो उसे सोशल कहते हैं। एंड प्रो योर सपोर्टिंग, आप उसमें देखेंगे तो क्वेश्चन है तो हिंदी में नहीं है। अब यहाँ देखिए उसको होता है आई लाइक यू, तो आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। प्रो सोशल बिहेवियर का नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, तो मैंने शॉर्ट में इसको हर जगह पीएसबी लिख दिया। पीएसबी मतलब प्रो सोशल बिहेवियर, प्रो सोशल सामाजिक उन्मुख व्यवहार कैसा होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, नेचर समझते हो ना, नेचर और मीनिंग पता है ना आपको या नहीं पता है? एक्सप्लेन करूं आपको, नहीं पता है एक्सप्लेन करूं? वेदर शैल आई एक्सप्लेन और नॉट, यहां आया मैं जवाब दू, एक्सप्लेन करता हूं। मीनिंग मैंने उस दिन भी आपको बताया था, सिमिलरली आपको मैंने बताया कि एक कोई चीज ले लो आम, आम ले लो, उसका अर्थ क्या है? आम एक घर्षीला फल होता है, फल है, उसका नेचर कैसा है? आम खट्टा मीठा होता है। अर्थ और नेचर में अंतर बताते, दूध का एग्जाम्पल ले लो, हरियाणा वाले दूध पीते हैं, दूध का एग्जाम्पल, दूध का जो अर्थ क्या है, इन्हें की वस्तु है सफेद रंग है, लेकिन पर नेचर कैसा है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, स्वाद देता है, खीर बना सकते हैं, बर्फी बना सकते हैं, दूध फट भी जाता है। अंडरस्टैंड मीनिंग समझ आ गया ना, डिफरेंस नेचर एंड मीनिंग में समझते ना, कभी कंफ्यूजन हो जाता बच्चों को, आज एंड तक वो समझ नहीं आता कि नेचर होता क्या है। सो आपके अंदर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए डिफरेंस क्या है। तब वॉलंटियर है तो डूइंग गुड टू अदर्स इज बीइंग हेल्पफुल इज प्रोफेशनल बिहेवियर। वॉलंटियर इच्छा से किया गया काम, और वो भी किसी को किसी के अच्छे के लिए भले के लिए कल्याण काम किया गया प्रोफेशनल बिहेवियर। कैसे? इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो वॉलंटियर है अपनी इच्छा से, कोई आपको प्रेशर नहीं करता। दूसरा डूइंग गुड टू अदर्स, दूसरे को अच्छा करना एंड बीइंग हेल्पफुल इन सोशल प्रोफेशनल बिहेवियर, या किसी मददगार होना प्रोफेशनल बिहेवियर। क्लियर हो गए? एनी डाउट अभी तक जो बताया मैंने उसमें? स्वधर्म और निष्काम कर्म की बात पर चर्चा की थी, इसके साथ साथ प्रोफेशनल बिहेवियर का मीनिंग बताया, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग ये होता क्या है। नेक्स्ट देखेंगे आप पीएसबी सीओन में बताया एल्ट्रुइज्म, यानी पीएसबी जो है प्रोफेशनल बिहेवियर यानी सामाजिक उन्मुख व्यवहार, एल्ट्रुइज्म परमार्थ के साथ का एक प्रायोरिटी शब्द माना जाता है। एल्ट्रुइज्म समझते हो ना, किसी की मदद करना, फिलैंथ्रोपी, किसी की मदद करना बिना कुछ इच्छा किए निष्काम करने वाली बात है, इसीलिए इसको इस जैसा माना जाता है। लेकिन प्रो सोशल बिहेवियर का अल्ट्रुइज्म एक हिस्सा होता है, सामाजिक उन्मुख व्यवहार का परमार्थ एक हिस्सा होता है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि फूड खाना भोजन, भोजन तो हो गया सामाजिक उन्मुख व्यवहार, और भोजन में देखो आप चटनी आलू के पराठे, हम तो हरियाणा वाले ही
आपको देंगे, ठीक है, दही एक कटोरी, सफेद मक्खन, बस करूं अदरवाइज मुंह में पानी आ जाएगा। साथ में थोड़ा सा चाय रख लो, लहर की चटनी रख लो, आ गया मतलब। देखो आप चीज देखो, ये सारी चीजें मिला के क्वालिटी ऑफ फूड जो खाना कहते हैं हम, और ये जो चीजें मैंने नाम दिया अलग अलग, ये इसके एक एक टुकड़े हैं, हिस्से हैं। तो इसी तरह से अल्ट्रुइज्म प्रो सोशल बिहेवियर का परिवार सामाजिक व्यवहार का एक हिस्सा है, समझ गया आप? अंतर समझ में आना चाहिए आपको दोनों से। जैसे आप दो लड़कियां और उसी में एक दूसरा एक स्वाद जाएगा इसमें लड़कों में, मतलब समझे ना कि लड़की तो हो गया, हमारे गांव में उस लड़की ने जो है हंगामा कर दिया, आप कहोगे किस ने, मैंने कहा उसने, आपको समझ नहीं आएगा। टिल द टाइम आई नेम दैट पर्टिकुलर गर्ल, जो लड़की जो शब्द यहां पर मैं इस्तेमाल करूँ, ये कलेक्टिव नाउन्स को कहते हैं। तो प्रो सोशल बिहेवियर वो होता है और एल्ट्रुइज्म एक, समझ रहे हम चीज को, जिसका एक हिस्सा है। विच मीन एल्ट्रुइज्म मतलब होता है हेल्पिंग अदर फॉर देयर वेलफेयर विदाउट सीइंग एनीथिंग इन रिटर्न, यानी दूसरे से कुछ इच्छा के बगैर ही दूसरे की मदद करना एल्ट्रुइज्म कहलाता है। हाउएवर एल्ट्रुइज्म का सबसेट ऑफ पीएसबी ने बता दिया, सबसेट का मतलब होता है उसका हिस्सा, उस स्थान में जब पड़ा हुआ एक टुकड़ा, एक सूट है, समझिए एल्ट्रुइज्म। इट इज परफॉर्मड बाय पीपल ऑफ ऑल एज इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, और कमाल की बात देखो तो प्रो सोशल बिहेवियर है, सामाजिक रूप से व्यवहार है, सारी उम्र के लोग करते हैं, हर उम्र के लोग करते हैं। और कमाल की बात इसमें यह है कि इसमें जानवर भी करते हैं, सामाजिक रूप से व्यवहार। कैसे आपने देखा, तुम हैव यू ऑब्जर्व चींटियों को, आपने ध्यान से देखा, तभी ध्यान देते तो वो काट लेती है, तुम देखते का चिट्ठी काटी पर उसको मार के। बट सी द बिहेवियर ऑफ एंट्स, हनीबीज, हनीबीज सुना हुआ नाम क्या होगी, मधुमक्खियां, उनका व्यवहार को स्टडी किया लोगों ने, दे फाउंड आउट हनीबीज के अंदर अलग अलग होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं जो उस छत्ते की रक्षा करते हैं। होता क्या है, अगर कोई दूसरी हनीबी आके उस छत्ते पे अटैक करती है, वो सोल्जर सबसे पहले उसके सामने आकर उसको काटने लगते हैं, और कई बार उल्टा ऐसा होता है कि उसको मारने मरने के चक्कर में खुद ही मर जाते हैं, दे सैक्रिफाइस देमसेल्फ, अपने आप को वो वहां पर मार देते हैं केवल एक बात के लिए, इसके लिए कि हमारा जो छत्ता है, हमारा अपनी हाइव है वो सुरक्षित रहे। जब आप छत्ते में सब सहज के निकाल के देखना, बड़ा सा होता निकाला किसी ने, आज एक कब निकाल सकते हो, ट्राई कर लेना। हाँ हाँ छत्ता लगा साइड वाला तो क्या करो, साइड खाना ट्राई, ऐसा वो जैसे ही आप उसके पास से गुजरते हो तो अटैक कर दिया आप ऊपर, और वो इस बात के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं होती कि आपके पास क्या है, मान लो कोई जहरीला स्प्रे आपने लिया हो ना, स्प्रे करके मर भी जाएंगे, उसकी चिंता नहीं उनको, वो मरती रहेगी और आती रहेगी, केवल एक बात के लिए कि हमारा छत्ता सुरक्षित रहे। वही है सामाजिक प्रोफेशन की है, जानो को दिखाते चिड़िया दिखाते, चलो नेक्स्ट। इट कैन बी शेयरिंग, दूसरे के साथ शेयर करना अपने चीजों को, हेल्पिंग, ये तो अंग्रेजी के साथ समझते हो ना, डूइंग फेवर्स, डूइंग फेवर्स का मतलब होता है किसी का पक्ष लेना, चैरिटीज दान देना, प्रमाण, कंफर्टिंग अदर्स दूसरों को कंफर्ट करना, उनको दिलासा देना, कब देते हो दिलासा, कोई परेशानी आती है किसी पर, कोई कष्ट आता है, खासकर जब पिट के आते हो दूसरा से कोई नहीं फिर लगाता है ऐसे हम कह देते हैं, ठीक है, ये कंफर्टिंग होता है दिलासा देना। पीएसबीज इनको नेचुरल टेंडेंसी टू हेल्प अदर्स, आप कहते हैं कि साइंटिस्टों ने या साइकोलॉजिस्टों मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि प्रो सोशल बिहेवियर हमारे जन्म से हमारे अंदर होता है, क्यों होता है, ताकि हम अपनी रेस को, हमारे लोगों को, इंसान को हम बचा सके, ठीक है ना। तो लर्निंग एंड सोशल एनवायरमेंट, ये लर्निंग होती है, लर्निंग का मतलब आपको पता होगा अधिगम, सीखना, आप अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने इंस्टीट्यूशन से, समाज से सीखते हुए एंड सोशल एनवायरमेंट, सामाजिक जो आपका एनवायरमेंट होता है उससे आप प्रो सोशल बिहेवियर, सामाजिक कुटुंब व्यवहार सीखते हो। आपने देखा होगा ना हमारे यहाँ परंपरा है कि घर के दरवाजे पर कोई आता है तो उसको भीख मांगने आता है, कोई कुछ मांगने भी आता है तो साधु आ गया कुछ खाली आती है उसको, ये हमने कहां से सीखा है, वी हैव लर्न फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, हमने पुरानी हमारी सीखा है, मदद से सीखा, पर
करते हैं ना सर। अब देखोगे इट इज अ पॉजिटिव एंड हाई कोरिलेशन विद इंपैक्ट। इंपैक्ट क्या होता है हिंदी में बता दो कोई, इसका 10 रुपए की चॉकलेट मिलेगी किस काम में? इंपैक्ट की सॉरी सिंपल की बोलते हैं एम्पैथी। आपने हिंदी बता दो उसका मेरी 10 रुपए की चॉकलेट आपके लिए पुरस्कार छोड़ी बताओ। जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं। एम्पैथी एम्पैथी होती है तदनुभूति, सहानुभूति नहीं होती, तदनुभूति। अब ये तदनुभूति क्या होती है इसका अर्थ एम्पैथी। अब देखो एम्पैथी का पता है तदनुभूति का आई लक्ष्य बताता हूं। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप दूसरों की भावनाओं को संवेगों को और अपने संवेगों को समझना। ट्राई टू बी फिटिंग इन द अदर्स शूज इसको बोलते हैं, दूसरे के जूतों में फिट होना। यानी कि अगले को कैसे उसकी भावनाएं उनको और अपनी भावनाओं को समझना एम्पैथी कहलाता है। सिंपैथी नहीं बुद्धि इसको कहते हैं ठीक है। ये कहता है कि प्रो सोशल बिहेवियर सामाजिक उन्मुख व्यवहार और एम्पैथी में कदरों बुद्धि कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन है, आपस में सहसंबंध है, धनात्मक सहसंबंध है। मतलब जिन व्यक्तियों में कदरों बुद्धि ज्यादा होती है एम्पैथी ज्यादा होती है वो प्रो सोशल बिहेवियर सामाजिक व्यवहार उसमें ज्यादा पाए, या जिनमें जो सामाजिक रूप से व्यवहार करते हैं सामाजिक रूप में व्यवहार करते हैं उनके अंदर कदरुभूति ज्यादा पाए। है आपके अंदर एम्पैथी? कई बार होता है ना कि दूसरे को कष्ट को देखकर हम भी हमारे अंदर कष्ट होने लगता है, क्या कितनी परेशानी हो जाती है। क्यों है ये? ह्यूमन बिहेवियर है। और ह्यूमन बिहेवियर क्यों है? क्योंकि हम अपने रेस को अपने मानव जीवन को मानव को संजोए रखना चाहते हैं, इसलिए होता है। साइंटिस्ट बताते हैं इट इज प्रैक्टिस बाय फॉर वेरियस रीजन। प्रोसोशल बिहेवियर है, अलग अलग कारणों से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे? सर मोरल रीजन है सेल्फिश। ये देखो कमाल प्रोसोशल बिहेवियर होता है सामाजिक व्यवहार के बारे में, अपने काम के लिए भी करते हैं सेल्फिश के लिए भी करते हैं, किसी को दान देते हैं सेल्फिश। समझते हो ना क्या होता है? स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। कईयों ने तो साइकोलॉजिस्ट ने यह कहा है कि कोई भी व्यवहार हम कितना भी अच्छा प्रोसोशल बिहेवियर हम कर ले उसमें कुछ ना कुछ सेल्फिशनेस होती है। और ये तो ये सर आपको मन को शांति मिलती है, आप लोग कहते ना तो आपके मन को शांति तो मिली वगैरह सेल्फिश। आपने कोई बहुत अच्छा काम किया उससे मुझे कोई शांति अगर मिलती है तब तो बात बने आपको ही मिली, दिस मीन्स आप सेल्फिश वगैरह तो स्वार्थ। एवरी प्रोसोशल बिहेवियर और एल्ट्रुइज्म इज मोटिवेटेड बाय सम सेल्फिश बिहेवियर, ये माना जाता है। उसके बाद मैनिपुलेटिव जुगाड़ मैनिपुलेशन करना ना लेन देन हेर फेर करना जुगाड़ करना मैनिपुलेशन के लिए भी हम प्रोफेशन बिहेवियर करते हैं। एथिकल नैतिक रूप से समझते हैं कि काम ऐसा करना हमें चाहिए इसलिए प्रोफेशन बिहेवियर करते हैं। और सोशल रीजन सामाजिक कारण होते हैं, कुछ सामाजिक कारण होते हैं जिसके माध्यम से हम प्रोफेशन बिहेवियर करते हैं। चलो इसमें दिख गया जो कि इसमें आगे ये लिखा हुआ है जो व्यक्ति प्रोसोशल बिहेवियर करते हैं दो क्या प्रोफेशनल बिहेवियर उनके अंदर साइकोलॉजिकल हेल्थ जो उनकी होती है मनोवैज्ञानिक उनकी हेल्थ होती है स्वस्थ होता है वो ज्यादा पाए जाते हैं। समझा बस दो प्रोफेशनल बिहेवियर दे आर फाउंड टू बी साइकोलॉजिकली हेल्थ। साइकोलॉजिकल हेल्थ का मतलब उनके अंदर जो मुख्य रूप से जितनी बीमारियां होती है ना बहुत सारी उनकी जड़ जो है साइकोलॉजिकल हेल्थ होती है। आपको लगने लग जाए कि मेरे से दर्द अंदर धो ही जाएगा। साइकोलॉजिकली कोई डिप्रेशन की समस्या कोई स्ट्रेस की प्रॉब्लम आपको टेंशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रोसोशल बिहेवियर करने वालों में ऐसी समस्याएं लगभग कम पाई जाती है सामाजिक अनुभव करने वाले। अब इसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक कुछ विशेषताएं देखते हैं प्रोसोशल बिहेवियर। देखिए पहले क्या है कि एम्स टू बेनिफिट और डू गुड टू अदर पर्सन और पर्सन, इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? दूसरों को सहायता पहुंचाना कुछ फायदा हो और कोई अच्छा काम उनके कल्याण के लिए किया जाता है पहला व्यवहार दूसरे से बिना कुछ पाने की इच्छा के किया जाता है। थर्ड इट इज अ वॉलंटियर बिहेवियर,
अपनी मर्जी से किया जाता है, इच्छा से किया जाता है, कोई इसके ऊपर कोई स्ट्रेस आपको प्रेशर देके आपसे प्रोसेशन देकर नहीं करा सकता। फोर्थ, इट इज नॉट इन्वॉल्व एनी क्वेश्चन और एक्सटर्नल प्रेशर, बाहरी कोई दबाव या कोई आपको दबाव से नहीं करा सकता इसे, लेकिन आंतरिक दबाव हो सकता है आपके अंदर करने का प्रोसेशन। आंतरिक दबाव समझते हो आपके अंदर की इच्छा कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, ये हमने समाज से इतना कुछ लिया है, समाज ने यहां पहुंचाया है तो समाज के लिए मैं कुछ करूं। विद्यार्थियों ने आज इतना समाज देते हैं, उनके लिए कुछ करूं, चाहना देते हो, वो होता है इंटरनल प्रेशर। नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व सम बिहेवियर और फाइनेंशियल कॉस्ट, आपको बता हुआ टू द इंडिविजुअल इन पीएचडी, ये भी एक अच्छी बात है इसमें, ये जो प्रो सोशल बिहेवियर है, सामाजिक व्यवहार है, जो व्यक्ति करता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ खर्च एक तरह से कॉस्ट उसके ऊपर पड़ती है, बिहेवियरल कॉस्ट हो या फाइनेंशियल कॉस्ट हो। आप किसी व्यक्ति की कुछ मदद करोगे तो कुछ ना कुछ आप या तो व्यवहार रूप से आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा व्यवहारिक रूप से, या कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। देखा आपने, भले ही आप देखो किसी ने आपको कह दिया कि जो है ज्यादातर आप बात होती है, एग्जाम्पल दो अपने संस्कृति संबंधित देखो, मान लेते तारीख बुआ बात भर आ गई, बात नौ दिन आएगी बुआ, बात नौ में समझते ना, बात नौ दिन आती है, आती नहीं आती है, 5 किलो गुड़ चावल लेके आती है, आते तो बदल गया गुड़ जरूर लेते हैं, 7 पुआ भी लेते हैं, लड्डू भी लेते हैं। अब देखो स्थिति में क्या होता है, बुआ आई है वही बात नौने के लिए, क्या होगा आस पास की जो पड़ोसी और तुम बुला लेंगे, गीत गाओ बात गाई जाएगी रात में, होता है सर, इट इज देयर। आप देखो उसमें बिहेवियरल कॉस्ट है, जिस महिला को सुबह उठना 5 बजे रात को बारह गीत गा रही हो, नींद खर्चा हुई नहीं, इतने कॉस्ट होकर उसके, लेकिन उसको इस बात का सेटिस्फेक्शन मिलता है कि बात मेरे सिस्टम होगा तो वो भी आएगा हमारे यहाँ। इसके साथ साथ कई घरों में तो सामूहिक भोज का अरेंजमेंट करते हैं, सारे भाई बहन जितने भी अलग अलग है सारे इकट्ठे आके एक जब भोजन करते हैं, तो भोजन करते हैं क्या होता है सारे लोग मिलके, दैट इन्वॉल्व्स योर कॉस्ट, ये होती है आपकी बिहेवियरल सोशल और फाइनेंशियल कॉस्ट। अब तो समझ आ गया होगा, यानी कि आप प्रोसेस जब बिहेवियर करते हैं तो उसके अंदर कुछ हरे जो बिहेवियरल कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, उसके ऊपर खर्च पड़ता है जो व्यक्ति ये सामाजिक रूप में करता है, और भी जो खर्च पड़ता है आप अच्छा काम करो किसी के लिए, किसी बच्चे को आप ले जाए, कोई बच्चा आ जाता है सर हमारे पास फीस नहीं देने के लिए तो आप फीस दो, ये दुड़को हुए हो आप ही दे रहे हो, नो बड़ी से हम फीस पे करते, मान लीजिए किसी का मैं कर दी फीस, किसी और व्यक्ति ने फीस पे कर दी वापिस नहीं मांगता, लेकिन वो तो खर्च तो हुआ ये डिस्काउंट होकर वो डेट को लास्ट में है फीस इंपथेटिक एक्शन वो आ गया तदनुभूति दूसरे की भावनाओं को समझ के पीएच भी किया जाता है, उसे डिवेट किया जाता है। आप ऐसे व्यक्ति को दान नहीं दे सकते, ऐसे व्यक्ति मदद नहीं कर सकते जिसको जरूरत ना हो, 4 सुना देगा आपको है ना, किसी को ऐसी कोई चीज को लोग सत्तर सौ चाहे मिलेगा डांट करेगा आपको, ये कैर टू देख कॉम्पोनेंट्स ऑफ पीएसपी, इसके कुछ घटक पाए जाते हैं, प्रोसेशनल बिहेवियर के कुछ घटक होते हैं जिससे ये बना सकता है। पहला देखो हेल्प पोस्ट, इसकी प्रति जो व्यक्ति मदद करता है उसकी उसका जो खर्च पड़ता है उसको हेल्प पोस्ट कहते हैं, ये होगी ही होगी, आप अगर सामाजिक रूप में व्यवहार करोगे ना तो ये आपको पोस्ट होगी ही होगी। नेक्स्ट देखो फिजिकल एक्टिविटीज होता है इसी पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा ना जो व्यक्ति फिजिकली अट्रैक्टिव होता है, जो सुंदर या दिखने में ठीक ठाक लगता है, लोग उसकी मदद जल्दी करते हैं, आपने देखा ही नहीं, इट हैज बीन सजेस्ट, ये पाया है रिसर्च में पाया गया है, अगर आप गाड़ी से जा रहे हो और एक किसान ने आपको पसीने में अतर बतर है और दाढ़ी बड़ी हुई है और चप्पल पहन रखी और गाय लगी हुई है गाड़ी साथ ही हेल्प रोकते, और वहां पर अगर कोई लड़की खड़ी हुई फट ब्रेक मारो इट इज देयर फिजिकली प्रूव्ड साइंटिफिकली प्रूव्ड, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, इट इज प्रूव्ड कि फिजिकल अट्रैक्टिवनेस होता है कृषि पर, जिसको सामने आप मदद करना चाह रहे हो फिजिकली अट्रैक्टिव है कि तब भी काम होता है, इट हैज गॉट सर्टन मीनिंग्स, ये जो अलग अलग इसका अर्थ होते हैं ऐसा क्यों होता है, ये एक तो नंबर वन बात होती है ह्यूमन नेचर में, ठीक है, वी आर फिजिकली एंड अनकॉन्शियसली अट्रैक्टिव टू आर्स, आप खुद देखो आपको मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, व्हेन यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम
आप एक साथ एक साथ एक साथ बैठते 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 आप देखोगे ना सिंगल प्रोफेशन में कंटिन्यू हो जाते हैं, अब फेल हो जाते हैं। एक ऐसे प्रोफेशन के जो लोग होते हैं स्पोर्ट्स वाले, देखोगे आप स्पोर्ट्स लड़का और लड़की हो गए एक साथ रहेंगे रोज एक साथ रहते हैं, तो वो क्या करते हैं एक दूसरे के विचारधारा को समझने लगते हैं। जब वो समझने लगते हैं तो फिर उनके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है, हाँ ठीक है भाई अगर हम दोनों एक साथ जीवन साथी बनते हैं तो अवर लाइफ विल बी मोर कंफर्टेबल देन अदर। मान लीजिए मैं हूं एंड माई वाइफ इज इन बैंक, तो हमारी लाइफ गर्क हो जाएगी, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा 2:30 बजे आने घर, 4 बजे घर को जाता हूँ 3:30 बजे एंड माई वाइफ का मर्ज शाम को 6 बजे, और उसके बाद अब 4 से 6 बजे के बीच में आई डू समथिंग एक्टिविटी डिफरेंस अगर एक जैसे प्रोफेशन में तो वो विचार पे विचार पे समझा मैं इसको दैट इज ये विजन है। आप बोल रहे मूड होता है विजन इंटेलिजेंस, ये भी एक इंपोर्टेंट घटक है मूड, जो व्यक्ति प्रोसेसर बिहेव करता है उसका मूड कैसा है देखा आपने कई बार, जब आपकी इच्छा होती है तो आप 4 बजे उसको बैठा हो इच्छा रिजेक्ट चलते कई बार कोई मांगने वाला था बाहर तो आप कितने बिजी हो आपका मूड अच्छा होता है मम्मी घर पर नहीं है पता नहीं सर कितनी देर मूड भी इम्पोर्टेंट है आपका, जो व्यक्ति प्रोफेशनल बिहेवियर में इंडियन दौरा का मूड इम्पोर्टेंट एंड नेक्स्ट इज रेगुलर एक्सपोजर टू पीएसपी, यानी बार बार आप देखते हो आपके परिवार में आपकी क्लास में आपके माहौल में दोस्तों में बार बार आप देखते हो कि लोग प्रोफेशनल बिहेवियर कर रहे हैं तो आप भी धीरे धीरे उसी नजर होगा समझा। पर्सनली टेट ऑफ हेल्पर यानी जो मदद करने वाला है पर्सनल दुश्मनों से डील करने वाला है उसके कुछ व्यक्ति तो गुण भी होते हैं जो भी एक मुख्य रूप से कॉम्प्रोमाइज होता है माने जाते थे सोशल एंड फैमिली वैल्यूज आपके सामाजिक मूल्य क्या है और पारिवारिक मूल्य क्या है ये भी ये फैसला करते हैं कि व्यक्ति पीएचडी करेगा नहीं प्रोसेसर डील करेगा कि नहीं करेगा, ये इंपोर्टेंट है सांस्कृतिक रूप से कैसे पालन पोषण आपको गया है दैट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट है बताओ पीएसपी बोल लो सामाजिक रूप में व्यवहार या प्रोसेसर लास्ट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पीएसपी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि प्रोसेसर बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। पहला कारक देखोगे हेरिडिटी जीन में होता है हमारे यहाँ इन्वॉल्व होती है पीएसपी प्रोसेसर बिहेवियर करना हमारे जीन में है आप चाहो या ना चाहो जीवन में आप कुछ ना कुछ कभी ना कभी प्रोसेसर बिहेवियर करते रहते हैं अब तक किसी को गाड़ी वाला गाड़ी धक्का मारा ट्रैक्टर धक्का मारा ट्रैक्टर धक्का मार के स्टार्ट करा दिया देखो सोशलाइजेशन एंड कल्चरल फैक्टर्स आपका जो सामाजिकरण होता है और सांस्कृतिक आपके जो कारक होते हैं वो दोनों मिलकर भी आपके प्रोफेशनल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ सोसाइटी ऐसी होती है वो सिखाती है लोगों को कि आपको समाज की सेवा करनी चाहिए लोगों की मदद करनी चाहिए दैट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेसिप्रोसिटी एंड इक्विटी सामाजिक जिम्मेदारी जब आप ऊपर पड़ती है प्रोसेसर बिहेवियर करता रहा सामाजिक जिम्मेदारी का केस आपने पता है सामाजिक यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है समाज में अगर कोई काम होना है मान लिया जाए आपके घर के सामने से कोई सड़क बन रही है ठीक है और वहां पर घर के बिल्कुल सामने रोड बना रहे लोग और कई बार मजदूर बैठ जाते थे बिना अच्छा है जाने मुझे पूछ देते चाय चाहिए अब चाय पिलाओ आपने कभी घर पे क्यों लटवा और तो देने उसको क्या है अरे काम कर रहे हो ड्यूटी हो बट स्टिल सामाजिक जिम्मेदारी हम समझते हैं रेसिप्रोसिटी आपने मुझे चाय पिलाई मैं आपको कॉफी पिला रेसिप्रोसिटी लेने एंड इक्विटी समानता किसी का पड़ोसी के घर में आपने सब कुछ सामान डल गया तो आप उसकी मदद करने चले जाओगे उसकी मदद करोगे समथिंग करते हैं सर और किसी जुआरी ने सारा घर बेच दिया आप मदद करोगे उसको क्यों भाई दैट इज कॉल्ड इक्विटी वो इक्विटी होती है हम उस समय उसकी मदद नहीं करते ये भी एक इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड रिएक्शन रिस्पॉन्स होगा रिसीवर यानी जो जिसको आप प्रोफेशनल बिहेवियर करोगे इसके साथ में उसका क्या रिस्पॉन्स हो सकता है समझा आपके घर में या किसी और में या आप खुद देखो आप किसी को आप फालतू में जाकर 200 रुपये दे रहे हो दो तरह किसी को दिखाई होगा और ये दिस इज इंपोर्टेंट यानी दूसरा कैसे व्यवहार करता है ये भी इंपोर्टेंट है एंड प्रेजेंस ऑफ बाइस्टैंडर इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट
बाईस्टैंडर समझते हो, तमाशा देखने वाले, तमाशा देखने टाइम हो गया, रुको बताता हूँ आपको। देखो बाईस्टैंडर का मतलब ये होता है, रोड पे देखो एक्सीडेंट हो रहा है, आदमी पड़ा हुआ है, दुनिया फोटो की जुड़े कोई फोन नहीं करेगा एम्बुलेंस, यानी ज्यादा व्यक्ति जहां पर होते हैं वहां पर लोग मदद नहीं करते जल्दी, सोचते इसने फोन कर दिया इसने कर दिया होगा, इसको बाईस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। ये एक इंपोर्टेंट बात है। और दूसरा लास्ट देखो सिचुएशनल फैक्टर्स, ऐसी कई स्थिति आती है जब हम प्रोसोशल बिहेवियर कर देते हैं। अभी आप यहां देखो सामने हैं कितने सारे बैठे हैं, आपसे पूछो भाई 100 रुपए इकट्ठे करते हैं और एक लड़के कितनी पड़ी है, यहां पर क्या होगा, यू विल टेल ठीक है सर कर देंगे, बाहर जाके कहेंगे 20 की 20 बनी सर ने कह दिया यहां कटी सर बिल्कुल देते फैक्टर्स। ऐसी स्थिति आ गई कि आप यहां ना ही कर सकते क्योंकि मैं कहता हूं कौन कौन नहीं देगा, तो आप किसी करते हो एक सारा आप क्या होता है, एक तो मैं हो गया बड़े सर की बात के पास, दूसरा 100 रुपए की दुकान, दूसरे ये क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, 100 रुपए के लिए मना करते हैं, ये हो गया दैट इज कॉल्ड योर सिचुएशन फैक्टर। इसके कारण भी प्रोसेस ये प्रोसेस में बिहेवियर जो है इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है अगर बस इस स्लाइड आपको जा देता है नेक्स्ट करो, अगर अल्लाह हमारा क्या होगा प्रोसोशल बिहेवियर, प्रोसोशल बिहेवियर के निर्धारक क्या है, ठीक है नेक्स्ट कोई प्रश्न, एनी डाउट, नो सर, ओ भाई थैंक यू।